राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम है फ्रेंड्स। मॉर्निंग के इस टाइम पे 8 बज रहे हैं। जो भी 8 बजे तक काम था हमारा, जैसे कि पानी वानी भरने का, वो सब हो चुका है। कपड़े धुलाई भी कर रहे थे, थोड़े बहुत कपड़े थे उसको धुल रहे थे। और अब बस कपड़े भी धुल गए हैं, बस वही किचन का एक हम दरी डाले हुए हैं सूखने के लिए। धुल गया था तो सूखने वाले में डाले हुए हैं सूखने के लिए। और इसके बाद से हमने कहा अब ब्लॉग का स्टार्ट भी कर देते हैं मॉर्निंग से। तो बस अब यहाँ इसमें हम लगा देंगे पानी, ताकि हमारा पानी भरते रहेगा। अगर लाइट अभी कट भी जाएगा तो हमें नहाने में अभी थोड़ा टाइम है, तो पानी हमारा भरा रहेगा, आराम से नहा लेंगे। और टंकी के पानी से फिर नहाना नहीं होता है मेरा, तो बस ताज़ा ताज़ा पानी रहेगा तो नहा भी लेंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा काम है फ्रेंड्स, तालाब के पास भी चलना है। क्योंकि कल के वीडियो में हमें कमेंट आया था कि आप तालाब में जहाँ से मिट्टी उठाते हैं वहाँ का व्यू दिखाइए, आप तालाब के पास ले चलिए। तो फिर हम आप लोगों को आज ज़रूर लेके चलेंगे। और ये जो तालाब है जहाँ लेकर चलते थे वहाँ नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे आसपास कई तालाब हैं और घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो आज इस तालाब को छोड़कर हम दूसरे तालाब पर आप लोगों को लेकर चलेंगे मिट्टी लेने के लिए। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आंगन का जो भी है फ्रेंड्स, आंगन धुलाई कर लिए थे और पानी भी हमने लगा दिया, भर गया। तो उसके बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ, देख सकते हैं। अब आज से यहाँ का भी काम शुरू हो गया है फ्रेंड्स। और जो भी मुझे नीचे का फर्श बराबर करना है, जो मिट्टी का काम यहाँ करना है, सारा कुछ अब आज से हमारा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो अभी तो पहले साफ़ सफाई हो रहा है, जो जगह जगह सामान रखे हुए हैं उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि अब काम लग चुका है। काफ़ी जो बालू वालू थे हमने हटवा दिया है, बस यही ईंट रह गया है और रास्ते में। और ये अलग पालक जो हम लगाए हुए हैं, मूली जैसे पूरा घना सा हो गया था, तो इसको जो ज़्यादा घना है उसको हम निकाल देंगे, थोड़े से पालक छोड़ देंगे, ताकि जैसे कि इसमें से हमें बीज भी मिल जाए सूखने के बाद। तो बस इसीलिए छोड़ रहे हैं थोड़े से पालक। और बाकी का धनिया भी थोड़ा सा है यहाँ, तो उसको भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी जो हरा धनिया मिलेगा, बाज़ार के धनिया का खुशबू वैसा नहीं होता है जैसा घर के धनिया का खुशबू होता है। तो हरा धनिया यहाँ पर हम थोड़ा सा लगाए हुए हैं, तो उसको भी नहीं हटाएंगे। और ये जो जैसे बहुत ज़्यादा इखरा बिखरा सा दिख रहा था, तो हमने कहा थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं पालक, और धनिया तो हमारा थोड़ा सा है ही, तो बस जगह खाली कर दे रहे हैं। और पीछे यहीं बालू रखा था, तो बालू हट चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो बस इसी जगह को हमको बहुत एकदम जैसे फर्श होना चाहिए वैसे करना है, क्योंकि गर्मी आ रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर तख्त वगैरह रख कर हम यहीं पर हम लोग बैठेंगे दोपहर ऊपर में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। खुला खुला सा रहता है, छाया भी रहता है। जो घर ये मकान है हमारा नया, इससे पूरा एकदम छाया बना रहता है दोपहर में भी। तो बस आप लोगों को दिखाएंगे कभी, लेकिन अभी तो काम आज से स्टार्ट है। आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा, जैसे कि जो जो हम ब्लॉग यहाँ का लेकर आएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे काम यहाँ मिट्टी का करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आज आप लोगों को लेकर चलते हैं कि जो भी ये काम कर रहा है, हमारे जो घर के पास का जो तालाब है जेस्ट, हम जहाँ साफ़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े से घास भी दिख रहे होंगे नीचे, तो वही ये घर के पास हमारे ये यही तालाब है। कहीं जाना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, लेकिन क्या है कि किसी किसी को किसी का खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होता है फ्रेंड्स। अपने आस पास के लोग ही ऐसा करते हैं, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से वो देखते जा रहे हैं कि मैं कंटिन्यू आप लोगों को जब भी तालाब में लेकर चलती हूँ, तब आप लोगों से बोलती भी हूँ कि तालाब सूखने का इंतज़ार है, तालाब सूख जाएगा तो हमारा काम यहाँ का मिट्टी का शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कौन करता है? जो अपने आसपास के लोग होते हैं वही करेंगे ना। तो नहर में पानी आता है तो फिर वहाँ तो नहर में हमेशा पानी रहता ही है, तो उधर से खोल दिया जाता है कि तालाब में खूब पानी भर जाए, ना तालाब सूखेगा ना इनका मिट्टी का काम शुरू होगा। तो मिट्टी ही लाना चाहेंगे तो हम मिट्टी कहीं से ले सकते हैं फ्रेंड्स। और वैसे भी सूखी मिट्टी हम रखे हैं, पर सूखी मिट्टी से हम
ये जो काम है वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए वही दिखा रहे हैं, इतना बड़ा तालाब है और पूरा यहाँ से लेते हुए पीछे पूरा देखेंगे जहाँ तक आप लोग, उधर तक है तालाब, उसके बाद से नहर है। लेकिन ये बहुत ही सोच समझ कर इसको खोल दिया जा रहा है कि पानी इसमें हमेशा भरा रहे, पर कोई नहीं, आप लोग चलिए हमारे साथ। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहीं से मिट्टी उठाएंगे अगर हमको गीली मिट्टी की ज़रूरत होगी। चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ का वो तालाब में पानी भरता है, और हम भी वो डाल डाल तो हम भी पात पात हैं फ्रेंड्स, जलने वाला ऐसे जलते रहेंगे। और हम जो करना है हमारे माइंड में चलता है, हम उसको करके ही दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग फ्रेंड्स, बस यही, हम जस्ट अपने घर के सामने से रोड को क्रॉस कर रहे हैं, और इसके बाद से ठीक इस रोड के बाद ही आ जाएगा हमारा ये दूसरा तालाब, जो कि बरसात वगैरह में काफ़ी इसमें भी पानी भर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है तो उस पानी भी जल्दी सूख जाता है यहाँ का। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, जब गीली मिट्टी की ज़रूरत होगी तो हम अपना जो घर से रोड ही क्रॉस करना है, बस कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जहाँ हम वहाँ खेत में लेकर चल रहे थे आप लोगों को, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि नज़दीक ही पड़ेगा ये हमारे घर से। लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि रोड के सामने है, मिट्टी निकालना और मिट्टी लेकर जाना तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा कभी मैंने किया नहीं। जो भी है, कुछ अपने घर के अंदर और पीछे से ही चले जाते थे मिट्टी वगैरह लेने के लिए, और मुझे सामने इधर से मिट्टी उट्टी का जैसे सामान काम करने में मुझे अजीब लग रहा था। लेकिन मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो मॉर्निंग के टाइम क्या है कि रोड एकदम जैसे सड़क खाली खाली सा रहता है, सबका आना जाना उतना नहीं रहता है। आज तो काफ़ी लेट हो गया है, जिस टाइम पे हम आए हुए हैं इस टाइम पे 9:30 बज गया है फ्रेंड्स, क्योंकि 8 बजे से हमने अपने ब्लॉक का स्टार्ट किया था, और आंगन ओंगन साफ़ करने के बाद फिर पीछे का गए, कुछ काम किए, वहाँ से उतना टाइम हो गया, उसके बाद से फिर अब 9:30 बज गया है इस टाइम पे, और आ गए हैं यहाँ। और बगल में ही प्राइमरी स्कूल है, वो भी खुल गया है, तो उसके अंदर टीचर उचर रहते हैं, तो इसीलिए फिर ठीक रोड क्रॉस करने के बाद प्राइमरी स्कूल पड़ेगा, उसी रास्ते से हमको घूमकर तालाब में आना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हमने कहा चलो कल से अगर हमको यहाँ मिट्टी लेना होगा, चाहे जब भी लेना होगा, तो हम मॉर्निंग में ही 2-4 बाल्टी गीली मिट्टी उठा ले जाएंगे। और वहाँ जहाँ से मिट्टी ले रहे थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी नहीं था, जैसे थोड़ा मिट्टी टाइट ही था वहाँ का, और बहुत ही हाथ से उखाड़ कर निकालना पड़ रहा था। तो बस अब वहाँ आज ले लिए हैं वहाँ से, वहीं से फिर जहाँ गीला मिट्टी होगा वहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पर सृष्टि बछिया को बांध रही है, और हरा भरा सा यहाँ चारा उसके लिए काफ़ी है, तो अपना वो चारा खा रही है। तो बस इतना हमने मॉर्निंग से काम किया फ्रेंड्स, जो भी है आधा काम तो हमने 8 बजे तक जो किया उसको हमने आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। हम भी सोचते हैं कि हमारा ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। और आज मुझे कुछ ज़्यादा कुछ लिपाई पुताई का कुछ दिखाना नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम मॉर्निंग से ही बादल बादल सा छाया था। हमने कल आप लोगों से बोला था कि आज लिपाई घर के अंदर का कर ले रहे हैं, आंगन से लेते हुए रसोई घर का, लेकिन कल के जो ब्लॉग में बस बाहर का ही लिपाई होगा। पर बाहर लिपाई करने में भी मुझे डर लग रहा था कि अगर बारिश हो जाएगा तो सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा मेन गेट पर इतना जैसे गंदा सा दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा गोबर का लिपाई कर देते हैं, बारिश हो जाएगा तो फिर कोई नहीं, जब पूरा बाहर का इसके जो सामने का पूरा जो जगह है अगर लिपाई करेंगे तो फिर इसका भी लिपाई कर देंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो पूरा अगर लिपाई कर देंगे बाहर से लेते हुए रास्ता तक का, तो पूरा मेहनत अगर बारिश हो जाएगा तो बर्बाद ही हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ हमने कहा बस मेन गेट पर आज लिपाई करेंगे, और देखते हैं कल संडे है, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो कल पूरा कर देंगे जितना भी बाहर का जगह है तो रास्ते का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लिपाई पुताई। और कल के कमेंट में हमको दो कमेंट आया था फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये जो तालाब से मिट्टी हम निकालते हैं तो कहाँ है तालाब, किस कहाँ से हम जाते हैं तालाब पर, जैसे कि कई वीडियो में हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, पर अगर जो नहीं देखे हैं उनका कमेंट आया था, तो हमने कहा चलो इस तालाब में तो जो घर के बाजू में तालाब है इसमें तो अभी
कितने टाइम से पानी है, तो फिर मैं थोड़ा सा इससे हट कर जाती थी, खेत से होते हुए उस तालाब से पानी जो मिट्टी है लेकर आती थी, वहाँ पानी कम हो जाता था। तो लेकिन क्या है कि जब आसपास के लोग उसको बार बार खोल कर इसमें पानी भरते जा रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे खेत में देख सकते हैं फ्रेंड्स, घर के बाजू वाला जो तालाब है पास में ही है और यहाँ तक पानी लगा हुआ है, जो कि यहाँ तक पानी नहीं रहता था। बारिश वगैरह में जो ये रास्ता है थोड़ा, अगर थोड़ा खाल रहता था तो यहाँ तक पानी लग जाता था, लेकिन बरसात के सीजन में और ऐसे सीजन में नहीं। देख सकते हैं मारे एकदम जलन के मारे पूरा खोल कर नहर का पानी इसमें गिराया जा रहा है कि ना तो सूखेगा ना मिट्टी इन लोगों को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर जो इंसान चाह ले तो फिर जिस सामान की ज़रूरत हो कहीं से भी ले सकता है। तो इस तालाब में पानी भरे रहेंगे तो हमने आज आप लोगों से शेयर किया, गीली मिट्टी की ज़रूरत होगी तो वहाँ से मिट्टी उठाएंगे, तो फिर करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, अगर करने वाला हार न माने तो फिर मेरा यही सोच है फ्रेंड्स। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।